पूर्वी दिल्ली के मंडावली थाना परिसर में बने मालखाने में बुधवार रात भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 11 फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मालखाने में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। कुछ दिन पहले मंडावली थाना पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की थी, जिसकी वजह से आग ने तेजी से भयावह रूप ले लिया। आपको बता दें कि मंडावली थाना परिसर में ही मधुविहार थाना भी है। थाना परिसर में आग लगने की सूचना मिलते ही पूर्वी दिल्ली जिला के एडिशनल DCP अचिन कुमार भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अचिन कुमार ने बताया कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और न ही कोई घायल हुआ है। मालखाने में रखा सामान जरूर जलकर खाक हो गया है। सर, कितने बजे कॉल थी और क्या कोई हताहत तो नहीं हुआ? नहीं, ये 10:20 के अराउंड की कॉल है। अभी तक कोई भी जान की मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ है, ना कोई इंजरी है, ना ही कोई मेजर कैजुअल्टी हुई है, और बट कुछ प्रॉपर्टी का लॉस जरूर हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फायर। फायर अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बुधवार रात तकरीबन 10:20 पर मंडावली थाना परिसर में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही 11 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया। तकरीबन एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मालखाने में रखा शराब सहित लाखों का केस प्रॉपर्टी जलकर राख हो गया है। आग लगने की वजह जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। जांच ये 22:20 पे हमारे दमकल के कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि मंडावली पुलिस स्टेशन में फायर है। तो तुरंत हमारी दो गाड़ियां सीन पे आ गई थी। फिर इसको 22:28 पे Make 4 कैटेगरी की अपग्रेड कर दिया गया। नीचे कर लो माइक थोड़ा। उसके बाद गाड़ियां आ गई, 11 गाड़ियां मौके पे है। 22 लगभग आधा घंटे के बाद हमने अंडर कंट्रोल दे दिया था। 23:20 पे हमने स्टॉप मैसेज दे दिया। कूलिंग ऑपरेशन कंटिन्यू है। अभी तक किसी कैजुअल्टी की हमें संभावना है नहीं। और इसमें माल खाना है तो डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल स्टॉल, उसमें लीकर है और अलग अलग डिफरेंट जो हजार्ड्स हैं वो है, तो अलग अलग तरह के इसमें फायर रिस्क है। बट आपको हमने कंट्रोल कर लिया है और थोड़ी देर में पूरी बुझ जाएगी।